राज में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम ने डाला डेरा। सीएम योगी खता आदेश कल की सुबह न देख पाए हत्यारे। दोपहर होते होते अरबाज को ठोक डाला। आधी रात में बाबा ने ली हाई लेवल मीटिंग। लखनऊ से पहुंची टीम, फुल स्ट्राइक की तैयारी। उतारे 700 जवान, एसटीएफ, पीएससी और जिला पुलिस को लेकर बनाया खास प्लान। योगी बाबा ने पहले विधानसभा में अखिलेश को धोया, फिर रात में अधिकारियों को बुलाया और भरके डोज दिया। बोले कि अगली रात हत्यारों के लिए आखिरी रात होनी चाहिए, उसके लिए आपको जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन प्रदेश में गुंडाई नहीं चलेगी। फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी नेता का करीबी हो, सबको साफ कर दो। इतना सुनना था कि पुलिस अधिकारी दोगुनी फुर्स से लग गए। लखनऊ से अधिकारियों की टीम आनन फानन में प्रयागराज पहुंची। रात में ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जमा हुए, लेकिन इस मीटिंग में एक और फैसला हुआ जो पुलिस ने कैमरे के सामने तो नहीं बताया, लेकिन प्लानिंग पूरी कर ली। ये प्लानिंग अतीक अहमद से जुड़ी हुई है। योगी का एक प्लान क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए प्रयागराज में क्या चल रहा है। पूरे प्रदेश के बेस्ट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को प्रयागराज में उतारा गया है। जगह जगह स्नाइपर तैनात हैं। एटीएफ, एसटीएफ, पीएससी और जिला पुलिस को मिलाकर 700 जवान इस मिशन पर लगे हैं। 10 टीमें लगातार रेड कर रही हैं। प्रयागराज में आने जाने के लिए सारे रास्तों पर पुलिस का तगड़ा पहरा है। पुलिस ने हथियारों की कमर तोड़ने के लिए इस स्ट्राइक की फुल तैयारी की है। जैसे ही कंफर्म हुआ कि कौन इसमें शामिल था, आप जानते हैं क्या होगा। लेकिन सीएम योगी ने अधिकारियों को एक और बड़ा आदेश दे दिया। दरअसल अतीक अहमद गुजराल की जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड में जो 7 शूटर अब तक सामने आए हैं, उनमें से 2 अतीक के आदमी बताए जा रहे हैं। एक खबर यह भी चल रही है कि अतीक का एक बेटा भी इसमें शामिल है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसको लेकर कुछ साफ नहीं कहा है। तो सीएम योगी ने आदेश दिया कि अतीक को गुजरात से यूपी लाया जाए, वो भी रोड के रास्ते। अब रोड के रास्ते गुजरात से यूपी तक का सफर कुछ भी हो सकता है, समझदार के लिए इशारा काफी है। इसके अलावा प्रदेश की इंटेलिजेंस ब्यूरो को पूरी तरीके से एक्टिव किया गया है, क्योंकि अतीक अहमद ने अब तक राजनीतिक और गुंडाई से जो भी हासिल किया है, यूपी की सरकार उसे मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। ये ऐसी गलती है जो अतीक अहमद पर ही नहीं बाकी गुंडों पर भी भारी पड़ेगी। खबर से मुख्तार भी परेशान है, कहीं उसका भी नंबर ना आ जाए। वैसे इस कांड के सारे तार अभी तक अतीक की तरह इशारा कर रहे हैं। पुलिस को आरोपियों की एक कार्ड भी मिली है जिसे छोड़कर वो भाग गए थे, वो भी अतीक के पास से बरामद हुई है। 2015 में जिस बसपा विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी, अब उनकी पत्नी पूजा पाल विधायक हैं और समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी से पूजा पाल के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है और अपनी जान को खतरा बताया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब उमेश पाल के घर संतावना देने पूजा पाल पहुंची, तो उनके उमेश के घर वालों से कुछ बहस हुई थी जिसमें उनका पारिवारिक क्लेश बताया गया था। उमेश पाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उमेश पाल को 7 गोलियां लगी हैं, जिसमें से 6 गोलियां उनके शरीर को पार हो गई और 1 गोली शरीर में रह गई। हत्यारे पहले से ही टोपी लगाकर दुकान में बैठकर उमेश का इंतजार कर रहे थे। शूटर के पास पिस्टल थी और थैले में बम थे। जैसे ही वहां उमेश पाल की गाड़ी पहुंची, शूटर्स ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में गोलियां चलाते हुए कई शूटर साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का यह खास प्लान आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।